इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट जो भी कुछ समय पहले हिल गया था ना, अगस्त के महीने में वापस आ गया है और सभी कंपनीज ने मिलकर 60,000 यूनिट सेल करी है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो रीब्रांडेड स्कूटर्स है वो मार्केट से धीरे धीरे आउट होना शुरू हो चुके हैं, और जो अच्छे ब्रांडेड स्कूटर्स है उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, प्राइस के अंदर भी करेक्शन आ रहा है और वो रेस के अंदर ऊपर यहाँ पे भाग रहे हैं। आज के समय में 2023 में सब्सिडी हटने के बाद, नए प्रोडक्ट्स आने के बाद, प्राइस हाइक के बाद, कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा है, किसकी क्या पोजीशन है और कौन सा आप लोग के लिए बेटर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हीरो विडा के बारे में। देखो विडा जो है वो हीरो मोटो कॉर्प एक सब ब्रांड है और इसका हीरो इलेक्ट्रिक से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात अब यहाँ पर हुई है कि जो हीरो इलेक्ट्रिक जो ऊपर रहता था वो लिस्ट में नीचे खिसक गया है और हीरो विडा टेक्निकली हीरो इलेक्ट्रिक से ज्यादा स्कूटर यहाँ पर बेच रहा है। खैर विडा के बारे में बात करें अब तो अच्छी बात यह कि वो रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है और जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उन लोगों के लिए तो लिटरली वो बेस्ट स्कूटर है, क्योंकि बैटरी को आप निकाल के आप अपने अपार्टमेंट में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन स्कूटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो एक साल होने को आ गया स्कूटर को लॉन्च हुए, लेकिन अभी भी जो विडा है वो बहुत ही लिमिटेड जगह मिलता है, हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है और अवेलेबिलिटी के मामले में सिर्फ हीरो विडा ही यहाँ पे पीछे, क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनीज है ना बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, वो सब अपने एक्सपीरियंस सेंटर शोरूम हर जगह खोल रही है लेकिन हीरो विडा एक्सपेंशन पे इतना फोकस नहीं कर रही है। इवन जो प्राइसिंग है इसकी वो भी काफी हाई है, लगभग 1,40,000 रुपए से विडा V1 Pro स्टार्ट होता है और देखा जाए तो प्राइसिंग आफ्टर सब्सिडी भी इन्होंने इतनी ज्यादा हाइक नहीं करी, लेकिन उसके हिसाब से जो 90-100 किलोमीटर की रेंज है लोग क्लेम करते हैं ना, उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे को महंगा लगता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट की इंडिया में एक तरह से शुरुआत करी थी, जो कि टीयर वन कंपनीज आती है और यहाँ पे मैं बात करूँ बजाज चेतक की। बजाज चेतक के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे पहले आया था, लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम पता क्या थी, हर जगह मिलता नहीं था, ऊपर से इसकी कीमत सबसे ज्यादा थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बजाज ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको एक्सपेंड किया है, बहुत सारे शहरों में ये मिलने लगा है, ऊपर से प्राइसिंग को भी कंट्रोल किया है, लगभग 1,30,000 रुपए तक का स्कूटर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि एक टाइम मेरे को याद है इसकी कीमत मार्केट में सबसे ज्यादा थी, 1.5 लाख के ऊपर पहुंच जाता था ये, लेकिन 1,30,000 के प्राइस तक आना सब्सिडी हटने के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि बात करें तो स्कूटर की सबसे अच्छी बात क्या है, वो है इसकी राइड क्वालिटी, कंफर्ट। अगर मार्केट में आपको सबसे कंफर्टेबल स्कूटर लेना है ना, हैंड्स डाउन इट्स बजाज चेतक ईवी। इसका एक्सपीरियंस और जो कंफर्ट लेवल होता है वो सबसे अच्छा है यहाँ पे। बजाज चेतक की जो बिल्ड क्वालिटी वो मार्केट में सबसे अच्छी है, आपको मेटेलिक बिल्ड देखने को मिलती है और इतनी अच्छी बिल्ड किसी भी स्कूटर मार्केट में इंडिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कमी इस स्कूटर के अंदर क्या है, लगभग 90 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करता है, तो रेंज देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ी सी कम है। मेरे हिसाब से अब बजाज को ना एक नया प्रोडक्ट लाना चाहिए मार्केट के अंदर, जिसके अंदर रेंज भी थोड़ी ज्यादा हो। अगर ये थोड़ा मेटल कम करके थोड़ा लाइट वेट प्रोडक्ट बना दे तो इसका भी रेंज के ऊपर एक इफेक्ट पड़ सकता है। देखते हैं बजाज चेतक यहाँ क्या करता है, लेकिन एक्सपेंशन वगैरह में तो उन्होंने काम किया, लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए ना, एक मार्केट में काफी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पे। जिस पुराने मैन्युफैक्चरर ने सबसे अच्छा काम किया ना वो है टीवीएस। टीवीएस ने iQube निकाली, काफी अच्छा काम किया, उसको एक्सपेंड भी करवाया और देखा जाए तो ये कंपनी मार्केट में बहुत तेजी से ऊपर खिसक रही है और ऑलरेडी सेकंड पोजीशन लेती है मार्केट में, जो कि बहुत अच्छी चीज है। टीवीएस का iQube बेस्ट सेलर है और टीवीएस के iQube में देखा तो हब मोटर मिलती है, जो कि उतनी एफिशिएंट लगती नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो स्कूटर है ना वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्कूटर है। किसी को भी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है ना, टीवीएस iQube एक हैंड्स डाउन एक काफी अच्छी चॉइस है। लोगों का रिस्पांस भी वहां पे काफी अच्छा है। जुपिटर आती है ना टीवीएस की, उसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन यहाँ पर लगता है। अगर ये लोग टीवीएस iQube का नाम अगर जुपिटर इलेक्ट्रिक कर देना तो मेरे सबसे ज्यादा बिक जाए ये प्रोडक्ट। हालांकि सब्सिडी के कम होने के बाद इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग में इंक्रीमेंट आया, लगभग 1,30,000 का देखने को मिलता है, जो मेरी नजर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि 1,30,000 में आपको उसका सिर्फ बेस मॉडल मिल रहा है टीवीएस iQube। इसके बाद उसका एस मॉडल आता है, इसके अंदर कुछ और फीचर्स आते हैं, वो थोड़ा और महंगा हो जाता है। और इसका एक मॉडल निकाला था टीवीएस iQube ST, वो मॉडल तो अभी तक मार्केट में आया ही नहीं, एक साल होने को आ गया, उसके इन लोगों ने बुकिंग वगैरह भी शुरू कर दी, फिर बाद में बंद कर दी और कुछ पता नहीं चल रहा कि वो मॉडल मार्केट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो मॉडल मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, उन्होंने शोकेस भी किया था। और अब ये स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि टीवीएस का iQube ST आपको देखने को नहीं मिलेगा,
क्योंकि टीवीएस ने अपना एक और नया स्कूटर टीवीएस एक्स को यहाँ पे निकाल दिया, जो कि देखा जाए तो पता नहीं क्यों निकाला, क्योंकि वो एक अल्ट्रा प्रीमियम रेंज का हाई परफॉर्मेंस स्कूटर है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन उस स्कूटर के अंदर जो परफॉर्मेंस जो पावर होती है ना, ये सेम चीज आपको देखने को मिलती है ओला S1 Pro के जनरेशन 2 में, यानी कि सेम पिकअप है, सिमिलर स्टाइल की मोटर आपको देखने को मिलती है, स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। और टीवीएस एक्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा एडवांस स्कूटर उन्होंने बनाया, बिल्कुल देखा उन्होंने कि ओला ने क्या काम किया, सारी की सारी चीजें बेटर कर दो अपने टीवीएस एक्स के अंदर। और बात किया तो शायद टीवीएस एक्स इंडिया में बिके भी नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि इस स्कूटर के साथ प्लान है टीवीएस का कि वो इंडिया के बाहर इस स्कूटर को बेचेंगे, और तभी ये स्कूटर यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि इंडिया के कंज्यूमर के लिए 2.5 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देना बहुत ज्यादा बात है। अगर इसको वो एक प्रोफेशनल लुकिंग बाइक या कुछ भी बता देते, या फिर अपाचे का एक इलेक्ट्रिक वर्जन बना देते इसको ना, तो ये चीज यहाँ पे शायद लोग ज्यादा पसंद करते। अब एक ऐसा टाइम आ गया टीवीएस को कि 1 लाख रुपए के अराउंड पे उन्हें एक अच्छा वाला मॉडल निकालना चाहिए, जिसके अंदर भले ही वो हब मोटर दे लेकिन रेंज वगैरह ठीक ठाक दे, प्राइस थोड़ा कम कर ले, तो ये लोग मार्केट में आगे लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। इसके साथ ही बात करें एथर के बारे में, तो एथर के साथ एक सबसे अच्छी चीज लगती है कि एथर के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो सबके सब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे मैंने 450X को भी चलाया और 450S को भी टेस्ट किया, और एक बात एथर के साथ सबसे अच्छी लगी कि जितनी रेंज वो यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे दिखाता है ना, उतनी रेंज आपको मिलती मिलती है। जो एक्यूरेसी लेवल है, प्रेडिक्ट करता है रेंज कि वो कहाँ तक जाएगा आपका स्कूटर, वो यहाँ पे काफी अच्छा है, तो वहाँ पे एथर ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ही एथर के पास सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, और एथर के साथ एक अच्छी बात यहाँ पर ये कि स्कूटर पूरा स्पोर्टी डिजाइन के साथ आता है, और यहाँ पे आपको फीचर्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे ऑटो होल्ड हो गया, या फिर गूगल मैप्स 450X के अंदर हो गया, और सॉफ्टवेयर अपडेट से भी फीचर इंक्रीज होते हैं, और जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जो स्पोर्टीनेस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। और एथर के साथ अच्छी चीज है कि उन्होंने हब मोटर का सारा ना लेते हुए मिड ड्राइव मोटर का सारा लिया है, जिसके अंदर रेंज और परफॉर्मेंस दोनों का एक बैलेंस देखने को मिलता है। लेकिन एथर के साथ पास में पता है प्रॉब्लम क्या थी, कि एथर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अवेलेबिलिटी इंक्रीज करी। इसके साथ ही जहां जहां ये लोग अवेलेबल होते वहां पे अपने चार्जिंग स्टेशन को लगाते हैं। इसके साथ ही डिमांड ये थी कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, इसलिए 1,30,000 में अपना प्रोडक्ट को लिया है, कि 1,30,000 के बाद भी लगभग 90 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करते, जो थोड़ी सी मेरे को कम लगती है। ऊपर से बात करें तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग तो चलो 1,30,000 ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्मार्ट फीचर्स नहीं आते। स्मार्ट फीचर्स के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना है, मतलब कि परफॉर्मेंस, बैटरी पैक, उसके अंदर कोई कमी नहीं करी गई है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो ये स्कूटर काफी अच्छा है, लेकिन अगर स्मार्ट फीचर्स चाहिए तो उसके बाद इस प्रोडक्ट की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है, और ये अपने आपको प्रीमियम कैटेगरी के अंदर एस्टैब्लिश करता है। उम्मीद करता हूं कि एथर वाले थोड़े और अफोर्डेबल कैटेगरी में और अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले तो वो एक बात है, लेकिन एथर देखा जाए तो टॉप 3 पोजीशन में आता है, और 450S के बाद मेरे को लगता है कि टीवीएस जैसी कंपनी को एक बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे मिल सकता है एथर की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर बात आती है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में एक बात है कि सबसे ज्यादा मॉडल SKUs ओला ने यहाँ पे निकाल दिए, और बात करें तो ओला का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस समय सबसे बड़ा है, और वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स पे काम कर रहे हैं, कार पे काम कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात यह है कि पिछले 1 साल होने को आ गया, और 1 साल से ये कंपनी लगातार नंबर 1 बन के बैठी हुई है, और उसके सिंपल से रीजन है, मार्केट में प्रोडक्ट जो निकालो उसकी कीमत सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा रेंज ये लोग प्रोमिस करेंगे। S1 Pro के बारे में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन निकाला था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्लेंट थी वो सेकंड जनरेशन में फिक्स करी, और जो जनरेशन 2 है S1 Pro का, वहां पे आपको सबसे ज्यादा रेंज भी देखने को मिल रही है मार्केट में, प्लस सबसे अच्छा पिकअप देखने को मिलता है, और टॉप स्पीड भी ज्यादा, और पुराने स्कूटर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना जनरेशन 2 में फिक्स कर दी, और एक अच्छा काम किया कि पूरे के पूरे स्कूटर कीमत 1.5 लाख रुपए के कम रखी है। लेकिन इसके साथ ही बात करें जो उनका किलर प्रोडक्ट है वो है S1 Air। S1 Air को सस्ता बनाने के लिए उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने वहां पे हब मोटर को लगा दिया और डिस्क ब्रेक हटा के ड्रम ब्रेक्स लगा दिया। ये कुछ जगह उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है ताकि 1,10,000 1,20,000 का प्राइस पॉइंट ये लोग मैच कर ले और कॉम्पिटिशन को यहाँ पे हरा दे। देखा जाए तो हब मोटर लगाने से एफिशिएंसी थोड़ी गिरती है, लेकिन रेंज ठीक ठाक मिल रही है, इनिशियल पिकअप ठीक है, मैंने भी स्कूटर को चलाया, काफी सही एक्सपीरियंस रहा और काफी बैलेंस स्कूटर लगता है। एक कमी मेरे को लगती है कि 1,10,000 1,20,000 अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है तो उसको डिस्क ब्रेक देने चाहिए थे, ड्रम ब्रेक्स देके वहां पे काम खराब किया। इसके साथ ही बात करें ओला ने जो अपनी S1X निकाली है वो एक काफी अच्छा स्कूटर है, किसी को अगर से पॉइंट ऐसे पॉइंट भी जाना है और कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं चाहिए वो काफी अच्छा स्कूटर है। लेकिन बात करें तो उस स्कूटर का जो 2 kWh वाला वर्जन निकाला जो कि सबसे सस्ता है,
वो मेरे को थोड़ा डाइसी लगता है, क्योंकि 2 किलोवाट आवर बैटरी सबसे कम होती है इंडस्ट्री में। अगर किसी का अगर डेली कम्यूट 10-15 किलोमीटर से ज्यादा का है ही नहीं तो शायद उसके ऊपर सोच सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा से स्कूटर को चलाना है ना तो डेफिनेटली वो 2 किलोवाट आवर वाला मॉडल रिकमेंडेड नहीं है। 3 किलोवाट आवर वाला कोई सा भी मॉडल यहाँ पे ले लो, S1 या S1X, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा और ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन यहाँ पर बनाएगा मेरे ओपिनियन में। देखो पास में प्रोडक्ट रिलेटेड जितनी भी इश्यूज थे वो तो उन्होंने फिक्स कर दिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है सर्विस की। आज भी काफी सारे लोगों का कहना है कि ओला के अंदर सर्विस का एक्सपीरियंस सबसे बेकार है और ये लोग सर्विस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। ओला कंपनी का पहला स्कूटर तकरीबन 1.5 साल पहले मार्केट में आया था, और जब इसका स्कूटर मार्केट में आ रहा था तब लोग कहा करते थे कि स्कूटर तो लॉन्च कर दिया लेकिन कभी मार्केट में नहीं आएगा, ये लोग अपना मार्केट में लाए। फिर लोग कहने लगे कि इनका स्कूटर कोई खरीदेगा नहीं, लोग खरीदने लगे। फिर कहने लगे इनका तो कोई शोरूम नहीं होता, इनके उन्होंने शोरूम ओपन कर दिए। अभी लोग कहते कि इनकी सर्विस देखने को नहीं मिलती। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट नया है, कंपनी भी सिर्फ 1.5 साल पुरानी है और अभी कंपनी को और काम करना बाकी है। पिछले 1.5 साल में कंपनी ने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सेल्स, ये सारी चीजें फिक्स करी है, लेकिन अब काफी हाई टाइम आ गया कि इन्हें अपनी सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। मेरे को लगता है कि सर्विस सेंटर ये लोग ओपन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, और ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये यहाँ पे इधर भी फील करता है, कभी कभी टीवीएस भी फील करता है। जिसने ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं ना वो सर्विस की प्रॉब्लम तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फेस कर रहा है। मेरे हिसाब से 1 साल तक इंतजार कीजिए, क्योंकि ये कंपनीज को मार्केट में टिके रहना, मार्केट से बाहर जाना नहीं है, और इन्हें पता है कि इन्हें सर्विस यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी। 1-1.5 साल में सारी की सारी चीजें कंपनियां फिक्स करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जितना इंप्रूवमेंट इन कंपनीज ने पिछले 1-1.5 साल में दिखाया ना इतना बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने जल्दी दिखाया नहीं। लेकिन इसके साथ ही बात करें दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर का, क्या सिंपल वन की बात करते हैं। सिंपल वन 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, और अभी बात किया तो सिंपल वन मिलता है बेंगलोर के अंदर, और पिछले महीने उन्होंने सिर्फ 12 यूनिट यहाँ पे सेल करी। अब बात करें तो सिंपल वन मेरे को लगता नहीं है कि आसानी से आपको पैन इंडिया देखने को मिलेगा, बहुत धीरे चल रही कंपनी और बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग है। अब इतना वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मेरे को लग नहीं रहा जैसा हुआ करता था। वो सिंपल वन से बेटर ये कि आप एथर ले लो या ओला ले लो, इस समय दोनों ही स्टेबल हो चुके हैं, शोरूम्स अवेलेबल है, वो बेटर ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर आइए रिवर इंडी, उसका प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे 1,25,000 रुपए में 4 किलोवाट आवर की बैटरी प्रोमिस कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट S1 Pro और S1 Pro Gen 2 की टक्कर का है। ये प्रोडक्ट अगर अच्छे तरीके से बन जाए, सिंपल वन जैसी हालत नहीं हो, डिलीवरी शुरू हो जाए और मार्केट में पॉपुलर हो जाए, ये कमाल दिखा सकता है। रिवर इंडी ये प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है। इसके साथ ही रिबोट नाम की कंपनी NX100 अपना स्कूटर बना रही है, वो भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके साथ ही बात करता हूं अपकमिंग स्कूटर्स में, सुना है कि यहाँ पे एथर वाले भी अपना एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर बनाने वाले हैं, अपनी नई सीरीज 2 पे काम कर रहे हैं, वो भी हो सकता है आपको कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिल जाए। इसके साथ ही बात करें तो सुनने में आई कि टीवीएस वाले भी अपनी IQ को रिफ्रेश करने का प्लान कर रहे हैं जब से सब्सिडी वगैरह हुई है, ताकि प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे ये लोग सही कर सके। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की क्या हालत है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में जो ब्रांड इंडिया में काम करते हैं उनके बारे में बताता हूँ, अल्ट्रा वायलेट, होबिनरोर, मैटर, टॉर्क मोटर्स, ये 4 ऐसे ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाले, लेकिन कोई भी ज्यादा मेन स्ट्रीम जा नहीं पाया। क्योंकि बात करें जो अच्छा प्रोडक्ट होता है मेन स्ट्रीम जाने वाला, वो बिल्कुल प्रीमियम कैटेगरी में खिसक जाता है, और जो बेसिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स होती है इंक्लूडिंग रिवोल्ट वगैरह के बारे में बात करें, वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल है और मोटरसाइकिल थोड़ी सी ज्यादा एंथुजियास्ट है, और कोई भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के मार्केट को क्रैक नहीं कर पाया। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए, 4 बाइकें शोकेस करी, जिसमें से पहली बाइक होगी ओला रोडस्टर जो आपको अगले साल देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी ओला इलेक्ट्रिक ने उनकी प्राइसिंग क्या होगी, फीचर्स क्या होंगे, रेंज क्या होगी, कुछ नहीं बता। जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आती, सो डिजाइन देख के बता पाना कि मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया, असली मोटरसाइकिल्स हमारे सामने नहीं दिए। यहाँ पे ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी अब धीरे धीरे कैचअप करने लग गए हैं, और जो ऑल इलेक्ट्रिक प्लेयर्स थे वो भी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो गए। ओला बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, एथर कंपेटिटिव हो गया, और टीवीएस बजाज अपनी प्राइसिंग को सही करके वो भी कंपेटिटिव नेचर में आ रहे हैं। और इसका एक बेनिफिट यहाँ पर ये मिल रहा है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, और जो पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर जो सिर्फ खिलौना हुआ करते थे ना, वो अब मार्केट से गायब होते जा रहे हैं, और अब सीरियस प्रोडक्ट है, वही मार्केट में मिलेंगे, वही मार्केट में चलेंगे। ये है कहानी बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। आप लोगों को कौन सा पसंद है नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।